जय हिंद साथियों, मैं सचिव कुमार पटेल आप सभी के अपने परिवार पीवीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग डेफिनेट आर्टिकल के सेकंड रूल की बातें करेंगे। फर्स्ट रूल हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिए थे, चलिए ये कह के आ रहे। देखो, तो प्यार से देखना, बारीकी से देखना, समझ बहुत अच्छे तरीके, ठीक है। अरे बिफोर दो सिंगुलर नाउन, हम उस सिंगुलर नाउन के पहले मतलब आर्टिकल के यूज करेंगे विच डिनोट्स एंटायर क्लास एज ए होल। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का क्या करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे किसका, आर्टिकल द का। लेकिन कैसा होना चाहिए, जो पूरी जाति का बोध कराए या पूरी वर्ग का बोध कराए या स्पेसिस का, मतलब होता है जाति। यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए होल, यानी कि पूरी इंटायर क्लास, पूरी क्लास के बात करें, ग्रुप के तरह, एक संग्रह के तरह। जैसे हम लड़का, अपने लड़का क्या हो, अपने कास्ट को दर्शाऊंगा, अपने क्लास को रिप्रेजेंट करूँ। कॉमन नाउन किस किसने पढ़ा है, चलिए बताओ। कॉमन नाउन किसने किसने, हमारे पैरे स्टूडेंट ने भी कॉमन नाउन पढ़ा होगा, उसको दिक्कत नहीं होगा। इन विद्यार्थियों ने कॉमन नाउन को अनदेखा किया होगा, मिस किया होगा, ही देखा होगा। प्लीज अगर है आपसे ये वीडियो देख लो, फिर उसको भी देख लेना तो और क्लियरिटी मिल जाए, क्योंकि कॉमन नाउन का यहाँ पे फीचर है। समझ रहे हो ना, ये कह रहा रूल कि देखो, यूज आर्टिकल द, ये लिख लो पहले, यूज आर्टिकल द बिफोर दो सिमिलर नाउन विच डिनोट्स एंटायर क्लास एज ए होल। हम आर्टिकल द का यूज करेंगे इसके पहले, सिंगुलर नाउन के पहले, तो विच मतलब जो डिनोट्स इंटायर क्लास एज ए होल, पूरी जाति को ही क्या करे, रिप्रेजेंट करे, जाति को ही दर्शाए, के साथ आर्टिकल द का यूज कर। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, पहले इसके हम लोग यूज वाले चीज़ों को देख ले। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो रूल है ना, ये ओल्ड रूल है। ओल्ड मतलब पुराना, लेकिन बुकों में अभी भी इसे न्यू माना जाता है, बट ये ओल्ड रूल है। न्यू ग्रामर, न्यू डिक्शनरी का बुक उठाओगे तो पुराना रूल माना। लेकिन सीख लो, आपकी अभी सीखने की बारी है, और मुझे बताना, मैं इसके बारे में फिर बात करेंगे। तो जैसे जैसे बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे, जैसे मैं कुछ देता हूँ, खाली स्थान देते, एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप बताना। खाली स्थान, वाय, जैसे मैं Why is clever? Why is handsome? ठीक है, Why is handsome? अब बताओ इसके साथ आर्टिकल ए का यूज करोगे या आर्टिकल एन का यूज करोगे? एन तो आएंगे नहीं प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग, आर्टिकल द का यूज करोगे, बताओ इसके साथ क्या लगाओगे? जबकि लड़का क्या कर रहा है यहाँ पर, जो लड़का है ना, पूरी जाति को दर्शा रहा है, पूरी जाति को दर्शा रहा है। क्यों, ऐसा थोड़ी कि सब लड़के बेकार हैं भाई, क्या लड़के हैंडसम होते हैं? ऐसा थोड़ी लड़का के नाक यहाँ पर आ जाता होगा, यहाँ पे ये हो जाता, नहीं, वो जो बनावट, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी कि पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर। बताओ इसके साथ आर्टिकल क्या आएगा, तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन अभी प्रयास करो। मैंने लिखा बॉय इज हैंडसम, लड़के हैंडसम होते हैं, ठीक है, मतलब इसका पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर। रूल ये कहता है कि हम पूरी जब जाति के बोध कराए, वैसा आर्टिकल, वैसा नाउन जो पूरी जाति का बोध कराए, उसके साथ आर्टिकल द का यूज करती है। ओल्ड रूल है, बताओ यहाँ पे द लगेगा कि नहीं? हाँ, आप बने रहना। लेकिन मुझे बताओ आप सब ये क्या हो, न्यू युग के, यानी कि नए जमाने के लड़के हो, आप बताओ पुराने रूल को मानोगे कि न्यू रूल को मानोगे? चलिए बताओ, बड़ा न्यू रूल ये कहता है, ये पुराना हो गया, लोग अभी न्यू एरा में है, ये भी सही है, ये गलत नहीं है, ये भी 100% सही है। लेकिन हमारा जो नया रूल ये कहता है, आप यहाँ पर आर्टिकल द की यूज नहीं करके आप आर्टिकल ए या एन का यूज कीजिए। कौन सा रूल कहता है आपका? न्यू रूल कहता है, न्यू एरा रूल। हमारा जो न्यू एरा है ना, उसके रूल ये कहता है आप आर्टिकल ए या एन का यूज की जगह पे आर्टिकल द की जगह।
ये पुराना रूल था, ठीक है, लेकिन अब न्यू रूल ये कह, जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो इफ बॉय इज हैंडसम, अब यहाँ पे लिख सकते हो इफ बॉय इज हैंडसम, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। अब मेरे एक प्यारे मेरे साथी हैं रोशन सर जी, उन्होंने एक कन्फ्यूजन थी उनकी भी, तो उनकी भी कन्फ्यूजन सर आप देख लेना, मैंने आपको बताया भी था टेक्स्ट करके कि जो यही रूल उनको भी कन्फ्यूजन था, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, अरे ये बुक में ये चीज़ नहीं दिए हुए, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं सर बॉय क्या आपका फिंगर काउंटर ला रहे हैं, मैं अधिकांश जगह ए भी लगा होता है द भी लगा होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों सही है। ये आपका न्यू रूल है, ये पुराना रूल है, बुकों में ये रूल फॉलो किए जाते हैं, कहीं कहीं आपको पेपर में, कहीं कहीं बुकों में जो न्यू बुक है उसमें ये रूल फॉलो कर दिए जाते हैं, दोनों सही है। समझना ये है, समझ गए ना, समझना, ए बॉय इज हैंड तब भी सही है, द बॉय इज हैंड तब भी सही, गलत कोई नहीं है। इसके कुछ और एग्जांपल रोशन सर आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए और ये भी डेडिकेटेड रहा चीज़ें, ये चीज़ें मैं आपके लिए भी कुछ एलोबरेट कर दे रहा हूँ, आपकी भी कहीं कन्फ्यूजन आ रहा है, और हमारे जितने भी जो अभी आर्टिकल सर लोग पढ़ाते होंगे वो इस चीज़ों का ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे न्यू एरा में जितने भी पेपर में आते हैं तो अब ऐसे आते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है जो के लेकर के। मैं भी जब इसके बारे में रिसर्च किया था कन्फ्यूज था, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अब कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये न्यू रूल है या ओल्ड रूल है। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे, हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में ऐसा होता कैसे, कैसे हम कहाँ पर द लगाते, कन्फ्यूज नहीं होना है, सब कुछ समझ में आए, बारीकी से समझ में आएगा। जैसे देख लो और एग्जाम्पल लिख लो, काउ इज जेंटल, जेंटल, ठीक है ना, तो जेंटल, अब बताओ यहाँ पे द भी यूज करोगे तब भी सही है, आर्टिकल ए भी यूज करोगे तब भी सही है, क्यों, अब ये भी यूज करोगे तो गलत नहीं है, लेकिन जाति का बोध करा रहा है, जो पुराना रूल था तो कहता द लगा दो, और न्यू रूल कहता है द भी लगा सकते हो एन भी लगा सकते हो, तो आप लोग न्यू एरा के स्टूडेंट हो तो कन्फ्यूज नहीं होना, आर्टिकल ए भी सही है द भी सही है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं लिख दूँ एलिफेंट इज ह्यूज एनिमल, जैसे देखो खालिस्तान एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, देखो एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल, जो हाथी क्या होता है बड़ा जानवर होता है, देखो बहुत सारे लोगों ने ऐसा नियम निकाल दिया इसका जिसके अंत में होता है होती है, तो उसके साथ में जो हम लोग आर्टिकल लगा डेफिनेट आर्टिकल है, नहीं ऐसा नहीं है, अब इनडेफिनेट आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं, ये इनका है न्यू एरा का अनुसार, ठीक है, समझ रहे हो ना, लेकिन इसी चीज़ को दोबारा चर्चा कर दिया जाए तो डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा, पहली बात याद रखना है भाई, ये सिंगुलर काउंटेबल न्यू एरा में तो बताया आर्टिकल एन की यूज करोगे, लेकिन इसी चीज़ को दोबारा चर्चा कर दिया जाए आर्टिकल ए सॉरी आर्टिकल द ही आएगा हमेशा, यहाँ पर आप आर्टिकल द भी यूज करेंगे अब भी सही है, आप आर्टिकल एन भी यूज करेंगे तब भी सही है, पता ही किसी को परेशानी हो दिक्कत हो मुझे बता दीजिए, किसी को कोई समस्या है इस रूल टू में तो बता दीजिए, इसीलिए मैं लाइव रिकॉर्ड लाइव नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों के साथ, पता है वीडियो फॉर्म में दे रहा हूँ, क्यों, तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक डाउट्स क्लियर हो जाए, समझ रहे हो ना, एक एक डाउट्स क्लियर हो जाए, और साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी जान लो, बहुत जल्द लोग एक फाउंडेशन बैच आने वाला, फाउंडेशन बैच लाऊंगा, ठीक है, फाउंडेशन बैच आएगा जिसमें आपको कंप्लीट एकदम बच्चा लेवल से लेकर के एडवांस लेवल, हाँ जो कि रहेगा आपका स्टैंडर्ड फिफ्थ से लेकर के ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक का जो ग्रामर सिलेबस रहेगा वो सारे कवर किए जाएंगे, बहुत जल्द उसको हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के पीवीआर स्टडी को इंस्टॉल करना है, और जा कर के वहाँ से आपको जब तक अभी वहाँ पर फ्री क्लासेस जो है उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, चलिए, और जिन बच्चों को मैथ्स कमज़ोर होगा, जीरो लेवल मैथ्स नहीं आता होगा, तो वो जा करके अभी ऑफर चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पर, जा करके ज्वाइन करना है, दीपावली ऑफर चल रहा है, ठीक है, ये ऑफर चलेगा, जाकर चेकआउट करना कब तक है, तो प्ले स्टोर से जाकर क्या करना, पीबीआर स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है, और जीरो लेवल मैथ्स जाकर आप लोगों को ज्वाइन कर लेना, जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम था तैयारी करते हो, हाँ ठीक है, तो यही थी हमारी रूल टू,
मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक न्यू रूल लो करके, एक नया कंसेप्ट, एक नया तरीका से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।